ऊपर मनमानी कर रहा होता है। क्या देखकर आदित्य आदित्य से सवाल करता है जी, ये राजा गलत कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आज भी हमारे देश में ऐसा ही होता है? नहीं, भारत एक लोकतंत्र है। मतलब? मतलब कि यह हमारी प्रजा राज करती है। वो कैसे? वोट करके क्या? किसको समझाओ ना। देखो, देश में चुनाव होते हैं जिनमें हम अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को वोट देते हैं, और जिनको सबसे अधिक वोट मिलता है वो नेता बनता है, और समस्त प्रदेश के नेता साथ मिलकर सरकार बनाते हैं जो कि देश चलाती है। आएगा छुट्टी उठी करके वोट डालने जाएगा। हाँ अपना टाइम आएगा हाँ अपना टाइम आएगा। ये बहुत हुआ सम्मान मेरा मध्य मेरा अपना मेरा ही अभिमान। इसको लेके मैं उठाओ मेरे दिल में नहीं जाओ, कोई रुके दूंगी क्योंकि जीतू का मैं ये पाओ। कोई ऐसी वैसी बात होगी नहीं खोलने का, अपनी बोली खुद में जाके मेरी साइन लगाएगा। क्यों लगाएगा ना? अरे राजेश भाई, दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है, चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा देश जीतेगा। Thank you.
होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन। लाओ बिजली बचाओ। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है।